सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए तमाम प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन स्थितियां चस की तस बनी हुई है। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों को घटिया किस्म का खाना भी खाना पड़ रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की बक्सवाहा ब्लॉक के मजगवा घाटी सरकारी स्कूल की है, जहां कहीं चावल में कीड़े निकलने की शिकायतें मिल रही हैं, तो कहीं बच्चों को दो रोटी खाने में दी जा रही है। समूचे विकास खंड में समूहों की मनमानी चरम सीमा पर है। किसी भी सरकारी स्कूल में मेनू के अनुसार खाना नहीं दिया जा रहा। तस्वीरें छतरपुर जिले की, जहां पर माध्यमिक शाला में बच्चों को गुणवत्ता ही मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, जिसको लेकर विकास यात्रा पर निकले क्षेत्रीय विधायक के सामने स्कूल की बच्चियों ने अपना दुखड़ा सुना डाला और कहा कि हम बच्चों को समूह द्वारा जो भी खाना दिया जा रहा है उसमें चावल में कीड़े निकलते हैं और दो रोटी खाने को मिल रही है। साथ ही रसोइयों द्वारा हमको धमकाया जा रहा है कि अगर कहीं शिकायत की तो ठीक नहीं होगा। खाना वाला निकलते हैं, दो दो रोटी मिलती है, कभी पतली कड़ी कड़ी मिलती है, चावल है, चूल्हा निकलते हैं। मेनू के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा है। कहाँ पढ़ती हूँ? कौन सा स्कूल का नाम क्या है? कौन सी कक्षा में पढ़ती हूँ? कहाँ पर? क्या समस्या है मध्याह्न भोजन की? खाना नहीं अच्छा मिलता है और कहीं बाल माल डरे मिलते हैं और तीन लमूला मिलते हैं और दो रोटी मिलती हैं और अपर की खाना नहीं मिलता। कौन बनाता है खाना? अरे मेरी वाली जो अभी खड़ी है। दूसरी तरफ समूह द्वारा बच्चों से ही बर्तन धुलाए जाते हैं, जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर द्वारा जिम्मेदारों को स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है कि अगर कहीं भी स्कूली बच्चों से समूह द्वारा बर्तन धुलाए जाने का काम करवाया जा रहा है तो उन समूह को हटाया जाए और उन पर कार्यवाही की जाए, बावजूद उसकी जांचकर्ता मौन धारण किए हुए हैं। समूचे मामले को लेकर जब क्षेत्रीय विधायक से बात की गई तो उन्होंने इस मामले पर कठोर कार्यवाही कराए जाने का आश्वासन दिया है। जहाँ जहाँ हम गए, बीच बीच में हमारा तय भी था कि हमें अचानक किसी स्कूल को चेक भी करना है, तो हमने स्कूलों को चेक किया है। स्कूलों को चेक करने के बाद यदि वहाँ के छात्राओं ने कहा है कि यहाँ पर हमें MDM सही नहीं मिल रहा है, तो तत्काल जांच भी करवाई है और जितने लोगों इसमें दोषी पाए जाएंगे, कई MDM समूहों की हमने जाँच करवाई है, BEO और BRCC ये जाँच करेंगे और जो भी जिनमें गलतियां पाई उनको हटा के दूसरे समूहों को काम दिया जाएगा।